उत्तराखंड के खिसकते पहाड़ और नदियों में उफनता पानी लोगों के लिए आफत बन गए हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से उत्तराखंड की 337 सड़कें बंद पड़ी हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ को जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ जाने वाले करीब 600 श्रद्धालु चमोली के पास फंसे हुए हैं। नीचे पानी से उफनती नदी, ऊपर टूटा पुल पार करते नन्हे बच्चे, किसी भी वक्त पानी पुल पर आ सकता है या फिर पुल ढह सकता है। जान का खतरा, लेकिन फिर भी टिहरी गढ़वाल के सीतापुर गांव के लोग पुल पार करने को मजबूर हैं। ये पुल कितना खतरनाक है, इसका जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने खुद पुल पार कर देखा। आप देख सकते हैं कि जर्जर हो चुका ये पुल किसी भी वक्त गिर सकता है। 2014 की आपदा के बाद उत्तराखंड में फिर वही हालात बने हैं और जिम्मेदार सरकार है। ये दो गांवों के बीच का पुल है जो कि टूट गया है। दूसरी तरफ टिहरी गढ़वाल का सीतापुर गांव और इधर सरखेत गांव देहरादून का, और बच्चे इसी टूटे पुल से हुए गुजरने को मजबूर हैं और स्कूल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जब पानी का बहाव फिर से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी देखने को इस नदी में मिल रहा है, तो बाढ़ का खतरा बना हुआ है और जान माल के नुकसान का भी। और जो इधर पीछे के गांव हैं, तकरीबन 20 से ज़्यादा गांव, वो इस आबादी से कट गए हैं और लोगों को बीमार होने पर बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस पे लाया जा रहा है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के गांव में हालात बहुत खराब हैं, इतने कि जौनपुर का एक स्कूल इन दिनों 30 परिवारों का घर बन गया है। इन परिवारों ने तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया था वो बारिश के पानी में बह गया। घर का जितना सामान ये लोग बचा पाए उसे लेकर इस स्कूल में शरणार्थी बन गए हैं। दिक्कत तो बहुत सारी हो रही है, 2-3 साल हो गए, परेशानी हो रही है हमें। सन 2014 से हो रही है। बड़ी भयंकर स्थिति है, मतलब एक कमरा हम लोग ऑलरेडी मकान बह चुका है और रहने की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए ये सरकारी स्कूल में हम लोग अभी रह रहे हैं। बड़ी मतलब परेशानी है यहाँ पे, पूरे संपर्क मार्ग यहाँ से टूट चुका है, जैसे कोई डेली यूजेज जो सामान है हम लोग ला नहीं पा रहे हैं, राशन वगैरह इस तरह से। टिहरी के सीतापुर के इस घर में रहने वाली 3 महीने की बच्ची अवनी को 4 दिन से बुखार है, लेकिन परिवार खराब मौसम और रास्ता बंद होने की वजह से उसे अस्पताल नहीं ले जा पा रहा है। परसों से हुई इसको बुखार हुआ, बस दवाई तो है थी नहीं, तब कल मंगाई। क्या दिक्कत आ रही थी तुम्हें, कैसे यहाँ से डॉक्टर के पास नहीं? नहीं, डॉक्टर दूर है ना यहाँ से, रास्ते सारे बंद हो गए थे, नदी आगे से नदी हो गई थी, पीछे से भी वहाँ टूटने का खतरा है, कहाँ जाएं फिर। अगर आप दिल्ली से देहरादून जाने की सोच रहे हैं तो जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। देहरादून दिल्ली हाईवे की ये तस्वीरें उस वक्त देखने को मिली जब मलबे की वजह से सड़क का ये हाल हो गया। हाईवे अब खुल चुका है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें नदी बन गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे जान को जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। सोचिए, जरा सी चूक और सीधे ये लोग तेज बहाव की चपेट में आकर बह सकते हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया है। दिल्ली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का 20 मीटर हिस्सा चमोली जिले के पांडुकेश्वर के पास लामबगड़ में टूट गया है। करीब 600 यात्री लामबगड़ में फंसे हैं। बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को जोशीमठ, पांडुकेश्वर और चमोली में सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। हल्द्वानी में करंट लगने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है,
बारिश की वजह से सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। किसी का घर तो किसी का खेत, सब कुछ बह गया है। ऐसे में प्रशासन से उम्मीद लगाए इन लोगों तक मदद कब पहुंचेगी, ये बताने वाला कोई नहीं है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।